मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ सबसे बड़ा पिज़्ज़ा दिल्ली NCR का। 34 इंच का पिज़्ज़ा है। जाके कोशिश करूँगा पिज़्ज़ा खाने की, देख सकता हूँ कि मैं पूरा पिज़्ज़ा खा सकता हूँ 34 इंच का या नहीं। मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए। पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो में मज़ा आने वाला है, इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको वीडियो अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि मैं जब पिज़्ज़ा लूँगा वहाँ पर और अपने फिटनेस ट्रेनर से वहाँ पर बात करूँगा, उनसे परमिशन मांगूँगा, तो वो परमिशन दे देंगे और मैं दिल्ली NCR का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा अकेले खाऊंगा। मैं पहुंच गया हूं मेन मार्केट कालकाजी। ये F ब्लॉक में पड़ता है दिल्ली के कालकाजी में। और यहां ऊपर राइट हैंड साइड में आप जो सर्कल देख रहे हैं जहां पे लिखा है दी अमेरिकन कनेक्शन, मैं वहां जाने वाला हूं और ये सेकंड फ्लोर पे, आइए वहां लेके चलता हूं। डेस्टिनेशन दी अमेरिकन कनेक्शन, यू कैन सी देयर, दिस इज कालकाजी। दिल्ली NCR का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा, 34 इंचेस का पिज़्ज़ा खाने का मौका मिला मुझे, लेकिन वो बोलते हैं ना कि मुंह में आके नहीं वाला छीन गया, तो मैं यहाँ पे आया जुगाड़ करके पिज़्ज़ा खाने के लिए, देखने के लिए कि पिज़्ज़ा कैसा बना है। लेकिन जब पिज़्ज़ा टेबल में रखा और मेरा कॉन्शियस अंदर से जागे, अपने जिम ट्रेनर को फ़ोन किया उनसे परमिशन लेने के लिए कि क्या मैं पिज़्ज़ा खा सकता हूँ, तो उन्होंने फाइनली मना कर दिया। एक्चुअली आज मेरा पोपट कट गया है और मैं दिल्ली का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा खाने नहीं, सिर्फ सूंघने आया हूँ, सिर्फ सूंघने। वेटर भैया को अब मैं रिवाइंड कर वापस पीछे भेज देता हूँ किचन में और आपको दिखाता हूँ कि जो दिल्ली का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा है वो कैसे बनता है, आइए देखिए। जब पिज़्ज़ा का बेस तैयार हो जाता है तो ये इसको पहले फोल्ड करते हैं चारों तरफ से, और फोल्ड करके बिल्कुल छोटा कर देते हैं, ऐसे कि वो जैसे कपड़े को हम पैक करने के लिए फोल्ड करते हैं, बिल्कुल पिज़्ज़ा को वैसे ही फोल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे छोटा सा बना देंगे और उसके बाद एक दूसरा प्लेट इसमें रखेंगे जो इसका एक्चुअली तवा होता है, वो रखेंगे इसके नीचे और फिर इसको अनफोल्ड कर देंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कुक भैया ओवन में डालने के लिए पिज़्ज़ा को अनफोल्ड कर रहे हैं यहाँ पर, और फिर ये सारा का सारा जो पिज़्ज़ा है ये ओवन के अंदर चल जाएगा, जिसमें इसे 300 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको कुक किया जाएगा। आइए वो प्रोसेस अब मैं आपको दिखाता हूँ। कुक होने से पहले एक बार मैं इसे मेजर कर लेता हूँ, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। फिर कुछ देर के बाद पिज़्ज़ा को निकाल कर रोटेट किया जाता है इसके बेस को, सो डैट दोनों ही तरफ जितना कुकिंग होना है जितने अमाउंट का वो अमाउंट का कुकिंग हो जाए। नेक्स्ट प्रोसेस में ये सॉसेज डालते हैं पिज़्ज़ा के ऊपर और उसके बाद इसे स्प्रेड करते हैं सर्कल मूवमेंट में। मुझे भी एक्चुअली बताने में और एक्सप्लेन करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, और जब मैंने सामने से ये देखा था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी आप भी देखोगे ये जो ऐसे स्प्रेड कर रहे हैं, मुझे मन कर रहा था कि मैं ही पकड़ूँ और मैं भी थोड़ा सा स्प्रेड कर दूँ राउंड राउंड। अब बारी है कि पिज़्ज़ा को टेस्टी बनाया जाए और टेम्पटिंग बनाया जाए। तो पहला बेस
कि ऊपर जो टॉपिंग डलता है वो चीज़ का टॉपिंग डाला जा रहा है, कितने सारे चीज़ एक साथ, जो कि मैं पिछले 4 महीनों से नहीं खाया हूँ। पिज़्ज़ा को फिर ये 4 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, 4 इक्वल पोर्शन में, और हर पोर्शन का आप एक अलग फ्लेवर ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने फ्लेवर ऑर्डर किया था, पहला सेक्शन था इटालियन स्टाइल का, सेकंड फ्लेवर था ऑल वेज का, थर्ड फ्लेवर था पेरी पेरी चिकन का, और फोर्थ जो पार्टीशन था वो था चिकन टिक्का का। तो यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और ये रेडी होने के बाद इसमें फिर से चीज़ और बहुत सारे चीज़ डाला जाएगा, इतना चीज़ कि चीज़ का फ्लड आ जाएगा। आप देख सकते हैं, इस वक्त भी मन कर रहा था कि बस उठाओ और खा लो। सारे टॉपिंग्स डालने के बाद पिज़्ज़ा वापस से ओवन में जाता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा ओवन है जिसके अंदर ये 34 इंच का पिज़्ज़ा जा रहा है अंदर। तो फाइनली ये पिज़्ज़ा अंदर चला गया है, और अब इसको वापस से 5-10 मिनट कुक करते हैं, और फिर इसको टर्न करेंगे, और फिर पिज़्ज़ा रेडी होगा खाने के लिए। मेरे साथ देवेंद्र जी है जिन्होंने ये पिज़्ज़ा बनाया, जिनका आपने देखा उनको सबसे बड़ा पिज़्ज़ा दिल्ली का बनाते हुए। तो देवेंद्र जी, आपने अपना बनाया हुआ पिज़्ज़ा कभी खाया है? एक दो बार खाया है। कितना टाइम लगता है आपको ये पूरा पिज़्ज़ा अकेले खाना? अकेले नहीं खाया। कितने दर्जन लोगों के साथ खाया? 15 से 20 लोग। 15 से 20 लोग मिल के एक पिज़्ज़ा खाया? एक पिज़्ज़ा 15 से 20 लोग मिल। तो यानी अगर आपका ग्रुप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, तो डेफिनेटली ये पिज़्ज़ा तो आपको ट्राई करना चाहिए। या एक बंदा अगर खाना शुरू करे ये पिज़्ज़ा, तो दिन भर में कितने टाइम लगेगा उसको पूरा कंप्लीट करने? नहीं कर पाएगा सर, एक स्लाइस में 20 मिनट लग जाते हैं एक बंदे। तो एक बंदा एक दिन में नहीं कर पाएगा, 2 दिन में कर पाएगा? यस सर। 2 दिन में खा लेगा पूरा? नहीं, पूरा तो नहीं खा पाएगा सर। एक हफ्ते में? नहीं खा पाएगा। एक हफ्ते में भी नहीं खा पाएगा? पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, और अब ये पिज़्ज़ा चेक करने वाले हैं। पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट रेडी है, और ओवन से बाहर निकाल कर ये पिज़्ज़ा को वापस से टेबल में रखने वाले हैं। ये देखिए, अब पिज़्ज़ा कटने वाला है। अलग अलग शेप में पिज़्ज़ा को काटेंगे, कभी लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हर डायरेक्शन में। कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं छोड़ा था कुक भैया ने जिस डायरेक्शन में पिज़्ज़ा को ना काटा जाए। देखिए पिज़्ज़ा को कितनी बेरहमी से काटा गया है यहाँ पे। ये मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि इस पार्ट में पिज़्ज़ा को सॉस के फ्लड में डुबाया जा रहा है। जितना सॉस डालेंगे उतना पिज़्ज़ा ज़्यादा टेस्टी लगने लगेगा। तो पहले एक सॉस, फिर दूसरा सॉस, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने सॉस डालने डाल दो भाई। तो ये सबसे बड़ा पिज़्ज़ा है दिल्ली का, दिल्ली NCR का, 34 इंचेस है। आप इसमें छोटे छोटे काट के ना बेल्ट जैसे लपेट लो, अगर आपका 34 इंच है। और ये जो है ना, ये इससे ये पिज़्ज़ा बनता है। और कोई आना भैया, मैं खिलाता हूँ आपको। ये पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। आपने बहुत सारी शादियों में दुल्हन की डोली उठते हुए देखा होगा, आज मैं पहली बार आपको पिज़्ज़ा की डोली उठते हुए दिखाता हूँ। रुशिल और नितिन, हम तो नॉन वेजिटेरियन है भाई, बट हमारे साइड वेजिटेरियन आ गया, तो हमें घुमा लेना चाहिए आइडियली से। घूमेगा हमसे? और यहीं पे मेरे साथ हो गई ट्रेजेडी। मैं आपको वो कॉल सुनाता हूँ जब मैंने अपने फिटनेस ट्रेनर को फोन किया, और उनका जवाब सुनिए आप। पिज़्ज़ा खा लूँ आज या छोड़ दूँ? चिकन पिज़्ज़ा बताऊँ अभी? बताऊँ अभी? चुपचाप घर आ जाओ वापस अपना काम करके। बताओ ना। नहीं नहीं खाऊँ? ठीक है। नहीं, यार मतलब मुझे झटका ही लग गया कि इतने मन से पिज़्ज़ा बनवाया था, और बनते हुए देखा था, सारा रिकॉर्ड किया आप सबके लिए, और मैं वही पिज़्ज़ा नहीं खा पाऊँगा, सिर्फ सूंघ सूंघ कर ही रह जाऊँगा। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पिज़्ज़ा नहीं खा पाऊँगा, लेकिन एक फ़ोटो शूट तो करवा लूँ। तो अब मैं अपना थोड़ा सा फ़ोटो शूट करवाऊँगा पिज़्ज़ा खाते हुए। ये देखिए, ये सारे फ़ोटो शूट्स मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी पे डाल दिया है। नीचे लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे तो वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे फ़ोटोज़ को देखने के लिए। मतलब पिज़्ज़ा नहीं खाने का सदमा ऐसा लगा कि
कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने पिज़्ज़ा को दोबारा से नाप दिया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। क्या पता ये करने के बाद सदमा चला जाए। ये एक ट्रेजेडी होने वाली है यार मेरे साथ। मैंने अपने ट्रेनर को फ़ोन करके पूछा कि क्या मैं डाइट प्लान का व्रत तोड़ सकता हूँ 120 दिन के बाद। मुझे उम्मीद थी कि शायद वो बोलेंगे हाँ आप खा लो, बट उन्होंने पिज़्ज़ा खाने से मना कर दिया। तो आइडली दिल्ली का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा, दिल्ली NCR का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा मैं सिर्फ सुनने आया हूँ, यहाँ पर खाने नहीं आया हूँ। शायद मैं वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे पहला इंसान होऊंगा जो दिल्ली का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा खा नहीं पाया, सिर्फ सूंघ ही रहा है। वो सूंघ रहा है, इतना सूंघ रहा है, इतना सूंघ रहा है, सिर्फ सूंघ ही रहा है और कुछ नहीं, खा नहीं पाया। टेम्पटिंग तो बड़ा था बट कंट्रोल कर लिया मैंने अपने आप को, सूंघ कर ही रह गया। और अब बारी थी सबसे बड़ा बर्गर को बनते हुए देखने की। खा तो ये भी नहीं पाऊंगा, सिर्फ देख रहा था और सोच रहा था कि काश ये खाने मिलता और काश मैं खा पाता इसे। इतना बड़ा टेस्टी लग रहा था, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा था बर्गर। मन तो बहुत कर रहा था, मतलब खा लेने का ही मन कर रहा था एक्चुअली। ये इनका मेन्यू, और मेन्यू का मैं हर पेज टर्न कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। क्या क्या डिश यहाँ पे हैं अवेलेबल वो भी लिखा है, कौन कौन से मॉन्स्टर चीज़ें जैसे मॉन्स्टर पिज़्ज़ा, मॉन्स्टर बर्गर, मॉन्स्टर मिल्क शेक, ये सारा कुछ यहाँ पे बनता है। तो इनके प्राइसेस भी लिखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक एक पेज टर्न करके मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, कौन कौन से मॉन्स्टर चीज़ें यहाँ पे बनते हैं, सारा कुछ यहाँ पे है इस मेन्यू में। और मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप, और उसके बाद इसे जूम करेंगे तो आप ये रीड कर पाएंगे। अब ना बारी थी मॉन्स्टर शेक की, और भगवान आज मेरे पेशेंस का टेस्ट कर रहे थे, मेरे विल पावर का टेस्ट कर रहे थे। एक के बाद एक जो भी चीज़ें बन रही थी मॉन्स्टर वाले साइज़ की, वो देख के वो सारा कुछ इतना टेम्पटिंग था मेरे लिए। और मिल्क शेक तो मेरा फेवरेट है, और वो भी ऐसा मिल्क शेक जो कि मॉन्स्टर मिल्क शेक है, सबसे बड़ा मिल्क शेक है दिल्ली NCR का। और वो पीने ना मिले ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और वो हादसा भी आज हो ही गया यार। फाइनली मैंने ग्रिल चिकन खा के अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर लिया। पिज़्ज़ा खाने तो नहीं मिला बट बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट लगा मुझे, तो वैसे मैंने ये वीडियो ब्लॉगिंग करा है आप सबको दिखाने के लिए कि बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट है 34 इंच का पिज़्ज़ा। खाने नहीं मिला, सिर्फ सूंघा है मैंने, सिर्फ सूंघा है पिज़्ज़ा को और फील लिया है। आज तक पिछले 10-20 सालों में जितना भी पिज़्ज़ा खाया है सारे पिज़्ज़ा का फ्लैशबैक आ गया है मेरे अंदर इसको सूंघते हुए। तो फिलहाल अब घर जाने का टाइम हो गया है, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। ये जो रेस्टोरेंट है इसका मैं GPS लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, गो एंड चेक इट आउट, इट्स ऑसम। और मैं वापस मेट्रो की तरफ जा रहा हूँ, कार लेके नहीं आया हूँ मैं। कोशिश ये है कि जितना भी पब्लिक कन्वेंस है उसको यूज़ किया जाए सो डैट दिल्ली में जो पॉल्यूशन लेवल है वो कम हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो खाने के शौकीन हैं, और उनसे जरूर पूछिएगा कि क्या वो ये पिज़्ज़ा, मॉन्स्टर बर्गर और मॉन्स्टर मिल्क शेक क्या वो अकेले पी सकते हैं, हाँ या ना, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा और ऐसे और वीडियोज़ देखना चाहते हैं आप तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।